दोस्तों, आपने बड़े बुजुर्गों को कहते तो सुना ही होगा कि लोहे को लोहा ही काटता है, या फिर ये भी सुना होगा कि जहर को जहर काटता है। लेकिन क्या कभी ये कहते सुना है कि अगर कोई व्यक्ति शराब से मर रहा हो तो उसे शराब ही काटती है? नहीं ना। लेकिन वियतनाम में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां शराब पीने की वजह से एक शख्स की हालत इतनी ख़राब हो गई कि उसकी जान पर बनाई। ऐसे में डॉक्टर्स ने जब इस शख्स की कंडीशन देखी तो उन्होंने उसे दवा के बजाय बियर की बोतल्स चढ़ाई और उसकी जान बच गई। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस खबर पर और आगे बढ़ें, हम आपसे कहना चाहेंगे कि हर लेटेस्ट खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस कर लें ताकि आप तक हर अपडेट पहुंच सके। साथ ही इस खबर को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस खबर की ओर। दरअसल मामला वियतनाम का है, जहां 48 साल के ग्वेन वैन शराब की बुरी लत के कारण अल्कोहल पॉइजनिंग के शिकार हो गए। ऐसे में उनके परिवार ने जब उन्हें सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल पहुंचाया तो डॉक्टर्स ने उनकी हालत देखते हुए वैन को तुरंत 5 लीटर बियर चढ़ाई, जिससे वैन की जान बच गई। डॉक्टर्स के मुताबिक उनके ऐसा करने के पीछे वैन की जान बचाना था। डॉक्टर्स का कहना था कि शराब के चलते वैन के खून में मेथेनॉल की मात्रा सामान्य से 1119% ज़्यादा थी, जिसके चलते दवा उन पर काम नहीं करती और दवा के जरिए उन्हें बचाया भी नहीं जा सकता था। ऐसे में मेथेनॉल की मात्रा कम करने के लिए हमने ऐसा किया। डॉक्टर्स ने बताया कि शराब का ज़रूरत से ज़्यादा सेवन करने से शरीर उसका आदी हो जाता है। ऐसे में अगर अचानक किसी व्यक्ति को जो कि शराब पीता हो उसे ये पीने से रोक दिया जाए तो शरीर में पहले से मौजूद शराब रक्त कोशिकाओं तक अपने आप पहुँचती रहती है, जिसके चलते कई बार शरीर में एथेनॉल की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे में अगर शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा एथेनॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो मरीज को बचाना मुश्किल हो जाता है। बता दें, शरीर में अल्कोहल 2 रूपों में प्रवेश करती है, पहला एथेनॉल और दूसरा मेथेनॉल। एथेनॉल सबसे पहले लीवर को डिस्ट्रॉय करती है, इसलिए डॉक्टर्स ने पहले वैन के शरीर में बियर चढ़ाने का फैसला किया और इस अनोखे उपाय से डॉक्टर्स उन्हें बचाने में कामयाब भी रहे। डॉक्टर्स ने बताया कि इलाज के बाद वैन को डिस्चार्ज दे दिया गया है और उनकी हालत अब पहले से बेहतर है। शायद इसे ही कहते हैं दोस्तों अजब दुनिया की गजब बातें। हमारे साथ बने रहने के लिए हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। Yeah.